हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। देखिए, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 हिस्ट्री की। चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, चैप्टर 2 हमने आधा पढ़ा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में से एक क्वेश्चन का आंसर दें, जिससे कि मुझे ये भी पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग कितना जो है वो याद रख पा रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक यहाँ कहानी की तरह ही हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्ट आपको कम मिल रहे हैं, तो आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनिए कि पुरातत्वविदों को पुरापाषाण के किस पुरा स्थल से राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उस स्थल का आपको नाम बताना है कि राख के अवशेष जो है वो किस पुरापाषाण के किस पुरा स्थल से मिले हैं। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं बहुत अच्छे से जो है वो देखूंगी कि कौन कौन जो है वो बहुत ध्यान दे रहा है। एनसीईआरटी की बुक जो है, देखिए, बहुत अच्छे से जो है वो पढ़िए। आप लोग पहले स्टेट लेवल की जो है वो बुक पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन नहीं होगी। ठीक है, और जो बच्चे मजे से जो है वो सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की बुक जो है आराम से पढ़ जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही जो है यहाँ पर फायदेमंद सिद्ध होगा। और जो इसको ये समझकर पढ़ेंगे कि अरे ये कैसे करेंगे, सिक्स से ट्वेल्थ तक की बुक जो है वो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो वो केवल सोचते ही रह जाएंगे। जो इसको बोझ समझकर पढ़ेंगे और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, अब कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो वहां हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या देखनी चाहिए बच्चे को कि एक तो उन बुक्स को पढ़ना है जो कि उस समय स्कूल में जो भी बुक चल रही हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो वर्तमान में चल रही है, इससे पहले आरबीएससी की चल रही थी, आपने उसको पढ़ा था। ठीक है, कोई भी बुक जो है वो बेकार नहीं जाती है, ऐसा नहीं समझना है पहले हमने जो बुक पढ़ ली है वो बेकार चली गई। नहीं, जो अब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, तो उसी में जो है वो आप ऐड करते जाइए जो भी नई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कंपटीशन की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस की, ठीक है, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस की भी करते हैं आप, तब भी आपको एनसीईआरटी की इन्हीं बुक्स को जो है वो पढ़ना होगा जो स्कूल में चल रही होती है, गाइड का सहारा नहीं लेना है। दूसरा क्या करना है आपको कि दूसरा ये भी तरीका होता है, यदि आप 6 से 12 तक की नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं का भी जो है वो कोर्स आप लें, लेकिन आधार जो है ये बुक ही होनी चाहिए, ये बुक को आधार मानकर ही वो कोर्स जो है वो तैयार किया गया हो, तो ऐसे ही कोर्स जो है वो आप खरीदें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं वो बुकें जो कि उस समय स्कूल में चल रही होती हैं। तो चलिए, बहुत ही मजे से इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग जो है ये बुक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानचित्र 2 को देखें। जो हमने पहले मानचित्र देखा था जिसमें पुरापाषाण स्थल थे, नव पाषाण स्थल थे, तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो नीले वर्ग वही हैं जो कि अभी मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी, नव पाषाण जो स्थल थे उनके बारे में ये कह रहा है। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है, यानी कृषक और पशुपालक की शुरुआत जो है वो नव पाषाण युग में हो गई थी। ठीक है, तो उन स्थलों की बात ये बता रहा है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। दोबारा से एक बार उस मानचित्र को हम देखते हैं, तो देखिए यही वो नवपाषाण स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो बुर्ज होम है, ठीक है, मेहरगढ़ है। तो इन्होंने क्या बताया कि कृषि और पशुपालक तो ये जो है यहाँ होने लगे थे। ठीक है, ये नवपाषाण स्थल है, चिरांद है, डाउजली हेडिंग है, ठीक है, ये सब नामों से आप परिचित हैं। पहले मैंने आपको जो है ये चीजें जो है वो अच्छे से समझा दी थी, आपने याद भी कर ली। हुल्लूर है, पेयम पल्ली है, ठीक है, तो नीले जो उसमें दिखाए गए हैं नव पाषाणिक पुरा स्थल हैं। यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि इन स्थलों पर जो है क्या होने लगे थे, कृषि और पशुपालन होने लगा था। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में
बहुत सारी जो है फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो यहाँ पर जब अध्ययन किया गया तो यहाँ पर जो है खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने, जिससे कि यहाँ पर पशुपालन होता रहा होगा, ठीक है, अनाज के दानों के अवशेष मिले, तो ये चीजें जो है यहाँ पर पुरातत्वविदों को मिली। स्थायी जीवन की ओर, अब जो है स्थायी जीवन की ओर जो है वो मानव बढ़ने लगा, यानी एक जगह पर हमेशा के लिए जो है वो रहने लगा। जिस तरीके से आज हम जो है एक जगह पर अपना मकान बनाकर रहते हैं, तो ये क्या हुआ, यानी कि अब हम जो है स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले मिले जैसे कि बुर्ज होम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा गया, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन है कि किस पुरास्थल में जो लोग थे वो गड्ढों के नीचे जो है घर बनाकर रहते थे और जिन्हें क्या कहा गया, गर्तवास कहा गया, ठीक है। इनमें उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को क्या मिला कि झोपड़ियों के अंदर भी आग जलती होगी, यानी राख के अवशेष मिले होंगे, ठीक है, बाहर भी मिले, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो है सुविधा के अनुसार जो है वो ये कार्य करते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें जो है वो नवपाषाण युग का माना गया। तो पुरापाषाण काल में जो है वो पत्थर किस तरीके के मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कि वो बड़े आकार के हुआ करते थे, ठीक है। उनका कोई भी आकार इस तरीके का नहीं था कि उन्हें उसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए, यानी कि वो जैसे भी पत्थर मिलते थे उसका उपयोग वैसे ही कर लेते थे। लघु पाषाण काल जब आया तो उस समय पत्थर जो है वो कैसे बनने लगे, वो जो है वो छोटे बनने लगे, ठीक है, और उनको जो है अच्छे तरीके से बनाया जाने लगा। अब जब नवपाषाण युग आया तो यहाँ पर जो है ये जो पत्थर थे इनको बहुत अधिक नुकीला तैयार किया गया, ठीक है, बहुत अधिक जो है वो नुकीला इनको बनाया गया और इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए इन पर जो है वो पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। तो ये नवपाषाण युग की बात हो रही है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और ऊसर क्या होता है, ओखली और मूसल क्या होता है कि जिसमें जो है इस तरीके का बना होता है। आजकल जो है हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो इसमें जो है अदरक कूटते हैं, आपको पता है, और एक जो है इस तरीके की लोहे की जो है वो बनी होती है एकदम गोल गोल सी, जिसमें से जो है अदरक रखकर जो है उसको कूटा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी जो है वो ओखली जो है इस टाइप की हुआ करती थी, और ऐसे जो है वो लंबे जो है वो क्या होते थे, गाँव के बच्चे तो जानते ही हैं, इस तरीके से जो है ये मूसल जो है वो बना होता था, इसको पकड़ के जो है अनाज को पीसा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो ये चक्की वगैरह नहीं होती थी। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा, ठीक है। प्रस्तर युगीन यानी कि पाषाण काल, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, ठीक है, तो इनको जो है नुकीला तेज धारदार वाला जो है वो बनाया गया। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ तो अब लोग जो है वो कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है वो उगाए जा सकते थे, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हुई वो नवपाषाण युग में हुई। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी दे सकता है कि ये जो है जैसे चावल है, गेहूं है, दलहन है, ये जो है किस युग में हुआ, ठीक है। तो
तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग में जब लोग जो है स्थायी जीवन जो है व्यतीत करने के बारे में सोचने लगे, और वो जो है मकान जो है वो बनाने के लिए, यानी जो भी कच्चे मकान थे वह भी बनाकर जो है रहने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे, कृषि करने लगे, पशुओं को पाल कर उनको जो है वो पालतू पशु जो है वो रखने लग गए, ठीक है। इसके साथ साथ लोग जो है कपड़े भी बुनने लग गए। तो ये सब चीजें जो थी वो किस युग की है? नवपाषाण युग की, ठीक है। ना तो पुरापाषाण की है, ना ही मध्य पाषाण काल की है, ठीक है। तो इस समय जो है बर्तन भी बनाने लगे, लोग खाना पकाने लगे, तो खाना बनाने के लिए जो है बर्तनों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कई प्रकार के जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका जो है वो चलाया करते थे, और मौसम के मुताबिक जो यहाँ पर जो लोग थे, जब वो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि लोग जो है भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जब वो ऐसी जगहों पर पहुंचे जहाँ पर जो है खेती पशुपालन जो है यहाँ होता था, तो यहाँ पर लोगों ने देखा, तो यहाँ वापस आकर अपनी जगह पर जो है इसी तरीके से जो है वो भी उन्होंने भी जो है झोपड़ वगैरह झोपड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो विकास होना प्रारंभ हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक साथ जो है हर जगह परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे जो है परिवर्तन आया, और धीरे धीरे लोगों ने भी जो है खेती पशुपालन को अपनाना प्रारंभ कर दिया। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो हमने मेहरगढ़ का जो है देखा था, मैप में देखा था, मानचित्र 2 में, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, ठीक है। तो मेहरगढ़ वह स्थान था नवपाषाण काल में जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, ठीक है। यहाँ मेहरगढ़ में आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि यह जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रा जो है इसके आसपास का स्थान है, ठीक है। दूसरा, यहाँ सबसे पहले जो है इस समय नवपाषाण काल में जो है जौ उगाना, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है वह मनुष्य ने सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः है भंडारण के काम आते होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उस टाइम लोग ये सोचते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी जीवन है, यानी जहां पर भी वो मरने के बाद जाता है तो वहां पर भी जीवन है। तो क्या करते थे वो कि जो कब्र होती थी उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, यानी उनकी खास वस्तुएं जो उनको प्रिय होती थी उनके साथ जो है वो रख दिए जाते थे, ठीक है, कि जब मृत्यु के बाद जीवन होगा तो उसे ये चीजें वो मिले। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें जो है वो मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यह संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। तो ये जो मृतक है इसके साथ में जो है वो बकरी जो है उनको भी दफनाया गया था। ये लोग सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन होता है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, एक ये बकरी है, ये बकरी है, ठीक है, और ये जो है वो मानव का चित्र है। अन्यत्र में देखिए, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। तो हमने जो देखा था
कि जो उपमहाद्वीप था तो वहां पर जो गुफाओं में चित्रकारी की गई थी पाषाण युग में, तो वो कैसी चित्रकारी थी? तो उस समय जो है जो मानव था, आरंभिक मानव, और वो हिरण का जो है पीछा कर रहा था या उसका जो है शिकार कर रहा था, इस तरीके का चित्र था, उन्होंने वही देखा। फ्रांस में गुफा में जो की गई चित्रकारी, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। तो आपको क्या करना है, फ्रांस कहाँ है देखना है एटलस में, ठीक है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकते चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में जो चित्रकारी की गई गुफाओं में, तो उनको किससे बनाया जाता था, उनमें किस रंगों का प्रयोग होता था, तो उसमें लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यदि जानवर पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो जानवर है कौन से होते थे, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी इंपॉर्टेंट लाइन में बताती जाती हूँ, तो बिल्कुल अपने नोट्स, जो भी आपके पुराने नोट्स हैं उनमें इनको ऐड करें। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। तो यह चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़िया और भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर जो है वो लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। उपयोगी शब्द जो है हमने चैप्टर में क्या क्या देखे, आखिर तक खाद्य संग्राहक देखा, परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, पुरा स्थल इसकी भी परिभाषा बताई, पुरा यानी प्राचीन स्थल यानी कि ऐसी जगह जहाँ औजार जो है वो बना करते होंगे, उद्योग स्थल वही उद्योग जहाँ पर ये चीजें बनती होंगी, आवासीय स्थल यानी जहाँ पर लोग आवास करते होंगे, रहते होंगे, पुरा पाषाण, ठीक है। तो जो पुराना जो है पुरा पाषाण यानी पत्थरों के औजारों का जहाँ प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पत्थरों को जो है किसने जानवरों की को जो है मार शिकार करने में, या फिर हमने देखा था एक चित्र देखा था कि जिसमें पत्थर, नुकीले पत्थर से जो है जो जानवर की खाल थी उस पर सिलाई की जा रही थी, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल था वो। मध्य पाषाण काल तो माइक्रोलिथ जिसको कहा गया, जिसमें औजार जो है वो लघु होने लगे, छोटे होने लगे, इसी को लघु पाषाण कहा गया। कृषक यानी कि किसान जो कि जिसने जो है खेती करना या कृषि करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। पशुपालक, पशुओं को जो पालने वाला। नवपाषाण युग जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने देखने को मिली, जैसे कि जो है मिट्टी के बर्तन जो है हमें नवपाषाण युग में देखने को मिले। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिला, कृषि देखने को मिली, पशुपालन, ठीक है, लोगों ने जो स्थायी जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दिया, तो ये चीजें हमें देखने को मिली। लोग जो है सिलकर कपड़े पहनने लगे, ठीक है। उसके बाद कब्र, कब्र की बात जो है वो हमने देख ली कि मेहरगढ़ में जो कब्र होती थी उसमें जो भी व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तु को उसी के साथ दफना दिया जाता था। वो लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन होता है। तो ये सब बातें हमने जो है वो चैप्टर में कर ली हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग था। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और फटाफट से जो है वो आपको सोचना है, बताना है कि इन वाक्यों को पूरा करो। आखिर तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि जो आखिर तक खाद्य संग्राहक थे तो उन्होंने गुफाओं में रहना जो है वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो धूप थी उससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठीक है, जानवरों से बचने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा घास वाले मैदानों का विकास जो है कितने साल पहले हुआ। तो हमने जब जलवायु परिवर्तन की बात की थी कि जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, लगभग जो है वो 12,000 साल पहले, ठीक है, तो वहां घास वाले मैदानों का जो है वो विकास हुआ। ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जिनका भोजन क्या था, घास था। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, तो
तो इसका आंसर जो है बहुत इजी है। और क्या हो सकता है इसका आंसर? वो इसलिए रहते थे कि जब उन्होंने खेती की है, बहुत मेहनत की है, तो जंगली जानवर जो है उसको खराब ना कर दें, ठीक है, और इंतजार करते थे फसल के पकने का, तो लंबे समय तक जो है वो एक ही स्थान पर वो रहने लगे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो ये आपको सोचना है। तो चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है, बहुत ही मजेदार चैप्टर था यदि आपने दिल से पढ़ा है इसे। नेक्स्ट हम चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।